रुपया में चले 80 किलोमीटर। एम्पियर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का वादा, खर्च कम बचत ज्यादा। युवराज एम्पियर इलेक्ट्रिक, सैद नगर, एकमी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। केंद्र सरकार की उड़ान योजना की शुरुआत। दरभंगा एयरपोर्ट बुनियादी सुविधा के घोर अभाव के बीच भी नित्य नए कीर्तिमान कर रहा है। यात्री संख्या को लेकर के लगातार सुर्खियों में रहने वाला इस हवाई अड्डा के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। दरभंगा एयरपोर्ट के 24 माह पूरा होने पर 8063 विमानों से कुल 11,75,351 यात्रियों ने आवागमन किया। इस प्रकार उड़ान योजना के तहत दरभंगा एयरपोर्ट का नाम सफलतम हवाई अड्डा में जुड़ गया है। बीते 24 माह में अब तक 8063 जहाजों ने यहां से टेकअप और लैंडिंग किया। इन फ्लाइटों में अब तक कुल 11,75,351 यात्रियों ने यात्रा की। इस प्रकार एक जहाज में औसतन 143 हवाई यात्रियों ने सफर किया। प्रत्येक विमान में औसतन 81% से अधिक बर्थ की बुकिंग यहां से प्रतिदिन होती है। दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत में 8 नवंबर 2020 को हुई थी। पहली फ्लाइट बेंगलुरु से स्पाइस जेट की 496 ने उड़ान भरी थी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव का जन्मदिवस राष्ट्रीय जनता दल द्वारा हर्षोल्लास के साथ लहरसराय जिला कार्यालय बिहार कॉलोनी सैदनगर में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत केक काटकर की गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष उमेश राय सहित राजद के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे और केक काटकर एक दूसरे को केक खिलाकर तेजस्वी यादव का जन्मदिवस मनाया गया। माननीय श्री तेजस्वी का जन्मदिन हम लोग राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा के लोग मना रहे हैं। हम लोग कामना करते हैं कि वो बिहार को अधिक से अधिक तरक्की पर, खुशहाली पर, रोजगार पर, विकास पर हम लोग लेके जाए और ऊंचाई तक जाए कि आने वाले समय में खोजे किस तरह से कहां हमको की सरकार चाहिए और जो विकास के धारा और रोजगार का काम जो शुरू हो गया है, इलाज का, सुनवाई का, कार्रवाई का, विकास का, वो धारा काफी तेज और गति से चले, इन्हीं के उम्मीद रखते हैं बाहर की जनता। हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि ये बिल्कुल स्वस्थ रहें और जिस तरह से, जिस लगन से वो लगे हुए हैं बिहार के विकास, चौमुखी विकास के लिए, वो और जानदार और शानदार ढंग से बिहार का विकास करें। अखिल भारतीय किसान सभा AIKS से संबंधित जिला किसान सभा की ओर से खाद की संकट दूर करने, सभी किसानों को खाद उपलब्ध कराने और खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर जिला समाहर्ता के सामने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी पोलो मैदान से इकट्ठा होकर झंडा बैनर के साथ आयुक्त कार्यालय समाहरणालय लहरसराय टावर लोहिया चौक होते हुए पुनः समाहरणालय पहुँचा और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी ने जिला समाहर्ता को मांग पत्र दिया। मांग पत्र में खाद की किल्लत दूर करने, सभी किसानों को खाद उपलब्ध कराने और खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग की गई। और इस प्रदर्शन के माध्यम से दरभंगा जिला के समाहर्ता से मांग करने आया है, किसान को मजबूर किया जा रहा है। DAP खाद 2000 रुपये मिल रहा है, यूरिया खाद 500 रुपये मिल रहा है। आज हम कहना चाहते हैं, दरभंगा जिला के कृषि पदाधिकारी कहते हैं हम ईमानदार हैं, लेकिन आज हम उनसे पूछना चाहते हैं, आज जो 2000 रुपये खाद ब्लैक हो रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है? कलेक्टर साहब, इसका जिम्मेवार कृषि पदाधिकारी है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं भाइयों, जो आज जो दरभंगा जिले में खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ है, खाद की संकट दूर करने के लिए, सभी किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिए और खाद की जो कालाबाजारी हो रही है उस पर रोक लगाने की मांग को लेकर आज समाहरणालय पर हम लोग प्रदर्शन करने आए हैं। संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति के तत्वाधान में अपनी मांगों को लेकर के LNMU विश्वविद्यालय मुख्यालय के अंबेडकर मूर्ति के समक्ष एक दिवसीय सामूहिक उपवास का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस उपवास कार्यक्रम में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उपवास स्थल पर एक सभा हुई जिसकी अध्यक्षता संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा ने किया। 2021 से दो डिमांड के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। एक डिमांड था तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का पद सृजन और दूसरा डिमांड है ये सारे टीचर का चयन समिति हो गया, शासी निकाय पास कर दिया और
अब इसको नोटिफिकेशन करना है बिहार सरकार के वेबसाइट पर करना है, उसको उसमें तो कुछ करना ही नहीं। ई दूगो डिमांड के लिए 50 बार आंदोलन किए राजकिशोर जी, पूर्व राजकिशोर जी किसी थे, वो हम लोग के उप संरक्षक थे, मर गए, वो यहाँ बैठे थे, ये हजारों लोग था। मदन मोहन झा MLC हैं, उनके नेतृत्व में 2000 टीचर जुटे हम लोग। लास्ट में जब ये लोग नहीं किए तो 5 को शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोग भूखे प्यासे यहाँ आंदोलन करना चाहते थे, 2 को समझौता करने के लिए बुलाया और हम लोग आए, हमको कहा जी ये नहीं कीजिए, हम कल प्रोग्राम के लिए लिख के दिए हैं, करवे करेंगे, इसको नहीं कर सकते। और 3 को हमको, हमारी पत्नी महेश ठाकुर में है, हम बेनीपुर में है, हम लोगों को यहाँ से बर्खास्त करते हुए अनुदान रोकने का आदेश दे दिया, इसके बाप की औकात नहीं है। 20 कॉलेज का अनुदान कम से कम करोड़ों में रखे हुए। रामेश्वर लता संस्कृत कॉलेज के अंग्रेजी विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर पवन कुमार झा के SDSU के बजट पदाधिकारी बनाए गए हैं। इस आशय का पत्र विवि के कुलसचिव डॉक्टर सत्येंद्र नारायण सिंह ने निर्गत कर दिया है। वहीं उग्रतारा भारतीय मंडन संस्कृत महाविद्यालय सहरसा के इतिहास विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर विशाल कुमार को परीक्षा विभाग में उप कुलसचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं दूसरी ओर SDSU में गत 5 नवंबर से चल रहे मूल्यांकन कार्य के लिए 126 परीक्षकों को नियुक्त किया गया था, इनमें से मात्र 70 शिक्षकों ने ही अपना योगदान दिया है। स्थानीय स्तर पर परीक्षकों की नियुक्ति होगी ऐसी संभावना है। विश्वविद्यालय के उप शास्त्री और शास्त्री के विभिन्न खंडों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में चल रहा है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वनस्पति शास्त्र विभाग में सेमिनार आयोजित हुआ। बिहार विकास में औषधीय पौधों का योगदान विषय पर सेमिनार को मुख्य वक्ता के तौर पर संबोधित करते हुए सेवानिवृत्त प्रोफेसर चंद्रभूषण त्रिवेदी ने कहा कि बिहार के विकास में औषधीय पौधे महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। औषधीय पौधों की खेती हर लिहाज से फायदेमंद है, इसके जरिए कम जगह में अधिक लाभ अर्जित किया जा सकता है, विशेषकर मिथिला में इसकी खेती कारगर साबित हो सकती है। यहाँ की अधिकांश भूमि जलजमाव युक्त है, जिसके चलते समय पर बुआई करने में किसानों को कठिनाई होती है। ऐसे किसान निर्धारित फसल का समय गुजरने के पश्चात औषधीय फसल लगाकर अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के निर्देशानुसार मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत कराने को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी की ओर से जागरूकता रथ समाहरणालय प्रांगण से रवाना किया गया। वहीं से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर उप विकास आयुक्त अमृता बैंस द्वारा रवाना किया गया। इस अवसर पर अन्य कई पदाधिकारी मौजूद रहे। यह जागरूकता रथ दरभंगा जिले के विभिन्न जगहों में जाकर लोगों को जागरूक करेगा और जो भी लोग 18 वर्ष के हो गए हैं ऐसे तमाम लोग अपना मतदाता सूची में नाम जुड़ा सकते हैं। 8 से 9 नवंबर से स्पेशल समरी रिविजन, जो विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण होता है इलेक्टोरल रोल का, वो स्टार्ट हो रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार के डायरेक्शंस के अनुसार हम लोग ने यहाँ से जागरूकता रथ रवाना किया है। सभी ERO स्तर से भी इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सभी मतदाताओं से अपील किया है कि आप अपना इलेक्टोरल रोल के अंदर नाम ज़रूर जुड़वाएं, जो नए हुए हैं, 18 वर्ष कम्प्लीट किए हैं, उसके लिए इस बारी 4 हत्याएँ तिथि भी ऐड की गई हैं, जो कि हमेशा 1 जनवरी होता था, लेकिन अब की बार एवरी क्वार्टर पे अगर कोई 18 वर्ष का होता है तो अपना नाम जुड़वा सकता है। फॉर्म्स के अंदर भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसका डिटेल सूचना सभी ERO के पास है, BLOs का ट्रेनिंग भी हुआ है। और यही है कि सभी से रिक्वेस्ट कि दरभंगा ज़िले का जो इलेक्टोरल रोल है वो एकदम शुद्ध रहे, उसके अंदर कोई त्रुटि किसी प्रकार की नहीं हो और ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता उसमें जुड़े। डेंगू के 3 मरीज DMCH में भर्ती। पिछले 24 घंटे में फिर 3 मरीज मिले हैं, जिसमें एक शहर के लालबाग मोहल्ला का रहने वाला है, बाकी 2 सीतामढ़ी और समस्तीपुर जिले का रहने वाला है। बता दें कि मिले डेंगू मरीजों में शहर के लालबाग मोहल्ले के 55 वर्षीय अशोक पासवान संक्रमित पाए गए हैं, जो घर पर ही रह रहा था। वहीं सीतामढ़ी के संजय शाह और समस्तीपुर जिला की जूली कुमारी को उसके परिजनों ने इलाज के लिए डेंगू वार्ड में भर्ती कराया है। मालूम हो कि DMCH के मेडिसिन विभाग में अभी तक डेंगू के 98 मरीज आ चुके हैं, जिसमें से 82 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। इनमें 3 ऐसे भी मरीज शामिल हैं जिन्हें अत्यंत गंभीर स्थिति में भर्ती कराया गया।
चोरी की घटना दरभंगा में लगातार बढ़ती जा रही है। इसी दौरान चोरों ने सरकारी विभाग को भी अछूता नहीं छोड़ा है, शिक्षा विभाग को भी चोरों ने निशाना बनाया। दरभंगा शहर के करमगंज स्थित बिहार शिक्षा परियोजना शिक्षा भवन में हुई चोरी, जिसमें महत्वपूर्ण फाइल और कंप्यूटर इन्वर्टर सहित कई चीजों की चोरी हुई है। विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि खिड़की के रॉड को काट करके चोर अंदर प्रवेश किया और महत्वपूर्ण फाइल कंप्यूटर इन्वर्टर सहित कई सामग्री की चोरी कर ले गया। इसकी सूचना संबंधित थाना को दी गई है। पुलिस आकर के इस मामले की जाँच करना शुरू कर दी है। चोरी ये देख रहे हैं सामने रॉड को काट करके ले गया है। सिस्टम था हमारा, वो सिस्टम भी नहीं देख रहे हैं। इन्वर्टर था, इन्वर्टर भी नहीं नज़र आ रहा है। किरानी का रहा है, टेबल पर कुछ कागजात था वो भी नज़र नहीं आ रहा है। तो यही सब चोरी हो गई है। तो पूरा छानबीन खोजने पर क्या क्या है पता चलेगा। एडमिट कार्ड में संभावित त्रुटि सुधार करने का बीबी ने जारी किया निर्देश। एलएनएमयू के परीक्षा विभाग ने स्नातक प्रथम खंड प्रतिष्ठा सामान्य और सब्सिडियरी परीक्षा 2022 के लिए निर्गत एडमिट कार्ड में संभावित त्रुटि के लिए निर्देश जारी किया है। जारी निर्देशानुसार सभी अंगीभूत और संबद्ध कॉलेजों के प्रधानाचार्य प्रभारी प्राचार्य को निर्गत एडमिट कार्ड में किसी भी प्रकार की त्रुटि रहने पर उसे सुधार करने के लिए अधिकृत किया गया है। जारी निर्देश में यह कहा गया है कि जारी हुए छात्र छात्राओं के एडमिट कार्ड में यदि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी है तो कॉलेज स्तर पर इसमें सुधार कर एडमिट कार्ड की मूल प्रति स्टूडेंट को हस्तगत करा दें और उसकी छाया प्रति विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग के कार्यालय में जमा कर दें। एमएसयू ने किया दरभंगा नगर इकाई का गठन। अर्जुन कुमार दास अध्यक्ष, अविनाश सहनी बने नगर सचिव। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नगर अध्यक्ष अर्जुन कुमार दास के नेतृत्व में दरभंगा नगर इकाई का गठन किया गया, जिसमें नवंबर महीना में एमएसयू के द्वारा होने वाले विजन 2040 कार्यक्रम पर चर्चा परिचर्चा करते हुए नगर इकाई का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से नगर सचिव के रूप में एमएसयू के क्रांतिकारी सेनानी अविनाश कुमार सहनी को नियुक्ति दिया गया। नगर उपाध्यक्ष के पद पर प्रिंस ठाकुर को नियुक्ति सौंपा गया है। नगर कोषाध्यक्ष अमित कुमार पासवान को बनाया गया है। मुख्य प्रवक्ता के रूप में वीरू कुमार को नियुक्ति सौंपा गया। हम लोग दरभंगा के समुचित विकास को लेकर विजन 2040 इसको लेकर एक प्लान बना रहे हैं। मैनेजमेंट के माध्यम से दरभंगा में जो बेरोजगारी है, जो भ्रष्टाचार है, जो काम नहीं हो रहा है आम जनमानस का, उसको कैसे लड़कर कराना है, इस दिशा में हम लोग पहल कर रहे हैं। केस डीएसयू के 5 कॉलेजों की संयुक्त भौतिक जांच कराई जाएगी। महालेखाकार कार्यालय बिहार पटना के निर्देश के आलोक में केस डीएसयू के 5 कॉलेजों का संयुक्त भौतिक जांच किया जाएगा। इस 5 से महालेखाकार कार्यालय के लेखा दल द्वारा किया जाना है। इस आशय का पत्र संबंधित कॉलेजों के प्रधानाचार्य को विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर सत्यनारायण सिंह ने भेज दिया है। इन कॉलेजों में श्रीनिवास मुकुंद रामानुज संस्कृत कॉलेज बसाकला बक्सर, भारत श्री मारवाड़ी संस्कृत महाविद्यालय छपरा, गुरुकुल महाविद्यालय मुहैया छपरा, सरस्वती विलास संस्कृत महाविद्यालय शौकहरा बरौनी और गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बेरगनिया सीतामढ़ी शामिल हैं। दरभंगा में माघ पूर्णिमा के अवसर पर कमला नदी में नहाने हेतु उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मान्यता है कि जिन दंपतियों को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, कमला स्नान से उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है और कमला माँ से जो भी मन्नत मांगते हैं उन्हें प्राप्त हो जाती है। इस मौके पर मुंडन और पूजा अर्चना हेतु लाखों की संख्या में श्रद्धालु नदी में स्नान करते हैं। दरभंगा के अलावा विभिन्न जिला सहित नेपाल के लोग भी पूजा हेतु पहुँचकर पूजा पाठ करते हैं। बहुत विश्वास है, इतना लोग हैं आके मतलब दर्शन करते हैं। मांगना में है किसी का बाल बच्चा नहीं होता है, किसी का मतलब बड़ बीमारी है तो बेटा ना है, वो मांगता है तो मतलब यह माता पूर्ति करेगा। वो पूर्णवासी के दिन पहले सभी हिंदू लोग का स्नान कर जरूरी है। यहाँ तो आते हैं मतलब जो नेपाल से लोग ज़्यादा आते हैं, सरलाही से आते हैं, महतरी से आते हैं। हमके कैलाश भगत नाम है। प्राचीन काल से ही सिलाई विधा पर महिलाओं का एक अधिकार रहा है। आधुनिक दौर में यह महिला सशक्तिकरण का जरिया बन चुका है।
कम पढ़ी लिखी महिलाएं आसानी से सिलाई के माध्यम से स्वरोजगार कर लेती हैं। ये बातें LNMU के वनस्पति विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शहनाज जमील ने शहर के जीएनगंज मोहल्ले में निःशुल्क सिलाई शिविर का शुभारंभ करते हुए कही। उन्होंने बताया कि सिलाई का हुनर हर महिला को सीखना चाहिए, विपत्ति में हुनर ही सबसे बड़ा मददगार साबित होता है। मौके पर मौजूद पूर्व CDPO अजरा जमील ने कहा कि घर बैठे रोजगार प्राप्त कराने में सिलाई महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सिलाई बहुत ही सार्थक है, इसलिए कि ज़्यादातर बच्चियाँ पढ़ाई में उतना रुचि नहीं लेती है, लेकिन अगर उनको प्रैक्टिकली उसकी किसी चीज़ का ट्रेनिंग दी जाती है तो बहुत अच्छी तरह से सीखती हैं और उसका सदुपयोग भी करती हैं। और सिलाई इसमें महत्वपूर्ण है, जिसके सहायता से बहुत ही इच्छुक छात्राएँ आती हैं और सिलाई सीखती हैं और उसका यूटिलाइज करती हैं, उपयोग करती हैं। समय समय पर इसका उपयोग करना लड़कियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभात दास फाउंडेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है हर जगह पर, सिर्फ सिलाई ही नहीं, इनके द्वारा बहुत ये मिथिला पेंटिंग भी होते हैं। प्रशिक्षण के आधार पर ये बहुत तरह के सिखाते हैं लड़कियों को और उसका वो लाभ उठाते हैं। लेडीज और जेंट्स के बिल्कुल कपड़ा सिखाएंगे। हम सोचते हैं कि ये लड़की सब हमारे उद्योग से सब अपना सीख करके अपना घरेलू उद्योग करे। बिहार दर्शन परिषद द्वारा उत्कृष्ट आयोजन हेतु स्नातकोत्तर दर्शन शास्त्र विभाग को किया गया सम्मानित। LNMU के स्नातकोत्तर दर्शन शास्त्र विभाग द्वारा दर्शन परिषद बिहार के 44वें वार्षिक अधिवेशन का भव्य समापन किया गया। यह समापन कार्यक्रम कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के दरबार हॉल में किया गया। इस समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा ने की। मंच पर माननीय कुलपति के साथ दर्शन परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर पूनम झा, महासचिव श्यामल किशोर, डॉक्टर महेश सिंह नागेंद्र मिश्रा, प्रोफेसर आयन सिन्हा, प्रोफेसर रुद्रकांत अमर और आयोजन सचिव डॉक्टर राजीव कुमार उपस्थित रहे। 44वां वार्षिक अधिवेशन दर्शन परिषद बिहार का आज समापन सत्र है। 6 और 7 तारीख को 6 विभाग होते हैं दर्शन परिषद में, उन पर बहुत सारे शोध पढ़े गए, बहुत सारे शिक्षकों ने, छात्र छात्राओं ने, शोधार्थियों ने अपना अपना पत्र प्रस्तुत किया। नगर निगम के 21 सफाई कर्मियों पर कार्रवाई, 12 का वेतन काटा गया। नगर आयुक्त ने सुस्त 21 कर्मियों पर कार्रवाई की है। इसके तहत नगर निगम के 12 सफाई कर्मियों पर नगर आयुक्त कुमार गौरव ने ड्यूटी से गायब रहने पर 1 दिन का वेतन काटते हुए जवाब तलब किया है। जिन कर्मियों पर कार्रवाई की गई है, वह असल में 5 नवंबर को वार्डों में जांच के क्रम में अनुपस्थित पाए गए थे। इसमें कई ऐसे भी कर्मी शामिल हैं, यह कर्मी बिना किसी सूचना के काम पर से गायब मिले थे। सुस्ती करने में संविदा आउटसोर्स और दैनिक सफाई कर्मी शामिल हैं। वहीं आपको बताते चले कि 12 कर्मियों का वेतन काटा गया है। कुमार गौरव ने जवाब तलब किया है। युवराज एजेंसी, द स्मार्ट फ्यूचर। मिथिलांचल का गौरव अब दरभंगा में। पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए युवराज एजेंसी की एक अनोखी पहल। बिहार का पहला अत्याधुनिक ऑटोमेटिक मशीन द्वारा सर्विसिंग की सुविधा। एम्पियर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय ग्रिप, मोर पावरफुल इनहेंसमेंट, माइलेज इको फ्रेंडली राइडिंग, क्योंकि यह है आपके न्यू एज एनर्जी। एम्पियर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय ग्रिप, 10 रुपया में चले 80 किलोमीटर। एम्पियर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 36,000 रुपए से भी ज्यादा बचत। अगर आप अपनी गाड़ी में हर महीने 1,000 से 3,000 का पेट्रोल भराते हैं तो, अगर आप पेमेंट लाने एवं माल पहुंचाने में 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की सफर करते हैं तो, अगर आप अपने बच्चों को स्कूल की बस के किराए का खर्च अधिक होने से बचाना चाहते हैं तो, अगर आप खुद 30 से 40 किलोमीटर की मार्केटिंग या कोई वस्तु डिलीवरी करते हैं तो, अगर आप घर की महिला एवं बुजुर्ग को हल्के गाड़ी देना चाहें या मार्केटिंग खुद करना चाहें तो, एक बार चार्ज करने पर 80 किलोमीटर चला, वही भरोसा, वही विश्वास। एम्पियर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का वादा, खर्च कम बचत ज्यादा। एम्पियर का साथ आपका विश्वास। देश की सबसे ज्यादा बिकने वाला ई बाइक एम्पियर इलेक्ट्रिक। एम्पियर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय ग्रिप्स, 10 रुपए में चले 80 किलोमीटर। युवराज एम्पियर इलेक्ट्रिक, सैद नगर, एकमी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। मोबाइल नंबर 9473118689। दूसरा नंबर
8294500443। युवराज एजेंसी, द स्मार्ट